नमस्कार, स्वागत है आप सबका नारा टीवी पर। दोस्तों, जब हम शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन या किसी भी बड़े स्टार के पीछे लोगों को भागते हुए देखते हैं तो सोचते हैं कि क्या किस्मत पाई है इन लोगों ने। हम यह नहीं सोचते कि ये लोग भी कभी हम जैसे थे और हमारी तरह ही सफलता पाने के लिए मेहनत कर रहे थे। अगर आप सोचते हैं कि पर्दे पर चमकते सितारे की जिंदगी हमेशा से ऐसे ही रोशन थी तो आप गलत हैं। बॉलीवुड में दर्जनों ऐसे स्टार हैं जिन्होंने फर्श से लेकर अर्श तक का सफर तय किया है। अपने करियर के शुरुआती दौर में इन स्टार्स ने कंडक्टर, कुली और यहाँ तक कि चाय बेचने तक का काम किया, लेकिन बावजूद इसके अपनी मेहनत और जुनून की वजह से इन सितारों ने न सिर्फ सफलता पाई बल्कि शोहरत की बुलंदियां हासिल की। जब हम संघर्ष करते हुए अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं तो रास्ते में अनेकों कठिनाइयां आती हैं। कभी कभी उन कठिनाइयों के सामने हथियार डालने का मन भी करता है। ऐसे में कुछ प्रेरणादायक कहानियां सामने आती हैं, जो उस बुरे दौर में हमें आगे बढ़ते रहने की सीख देती हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे ही सितारे की संघर्ष की कहानी, जो समाज के बेहद ही निचले पायदान से उठकर आया और न केवल बॉलीवुड में काम किया बल्कि 80 के दशक में बॉलीवुड पर एक छत्र राज भी किया। जी हाँ, हम बात करेंगे डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती की, जिन्हें हम प्यार से मिथुन दा कहते हैं। अपुन की परछाई मौत का पैगाम लाती है, अपुन की आवाज जंग का ऐलान करती है, पर अपुन की मौजूदगी सरे बाजार दुश्मन को नंगा करती है। ऐसा दिमाग बनकर खाऊंगा कि कब टूटा, कब बिखरा और कब तबाह हुआ, तेरी परछाइयों को भी पता नहीं चलेगा। आग और बारूद एक दूसरे से हाथ मिला ही नहीं सकते, और जब भी हाथ मिलाएंगे धमाका होगा, तबाही होगी। जस्टिस चौधरी अपने दुश्मन को निगलता नहीं, पालता है, खेलता है, क्योंकि पॉलिटिक्स और अंडरवर्ल्ड में अगर ऑपोजिशन ना हो मजा ही नहीं आता। और रही दुश्मनी की बात, तो मेरे सामने तेरी औकात इतनी भी नहीं कि मैं तुझे अपना दुश्मन समझूं। मैं तो भगवान से सौदा करूं, उससे भी आधी दुनिया मांग लूं। By God, फिर तू क्या चीज है? गुस्सा नहीं लंकेश्वर, ये खोपड़ी बहुत सालों से बिगड़ी हुई है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इतना पैसा मेरे पास नहीं है डॉक्टर बाबू। बताइए मैं क्या करूं? ये अस्पताल कोई खैराती नहीं है, यह है प्राइवेट नर्सिंग होम, और हमारा समय वेस्ट मत कीजिए आप। अगर इंतजाम ना कर पाए तो बाइज्जत अपनी पत्नी को ले जाइए। आपके पैर पड़ता हूँ डॉक्टर बाबू, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। 16 जून 1952 में बांग्लादेश के बारिसाल में जन्मे मिथुन का शुरुआती दौर बड़ा संघर्षशील रहा। एक वक्त पर आकर मिथुन चक्रवर्ती ने बेशक खूब नाम कमाया और स्टारडम कमाया, लेकिन कभी उन्होंने वो दिन भी देखे जब उन्हें इस बात की चिंता रहती थी कि क्या वो खाना भी खा पाएंगे या नहीं। ये वो दौर था जब फिल्मों में उनकी एंट्री नहीं हुई थी और वो स्टेज पर डांस करके अपनी जीविका कमा रहे थे। फिल्मों में आने से पहले मिथुन नक्सली थे, लेकिन एक हादसे में भाई की मौत की वजह से उन्हें अपने परिवार के बीच लौटना पड़ा और यहीं से उनके ऊपर परिवार को संभालने की जिम्मेदारी आ गई। डांस का उन्हें बहुत शौक था और इसी के चलते उन्होंने स्टेज शो से शुरुआत की। दोस्तों, स्टारडम चाटुकारिता नहीं बल्कि दर्द का नाम है, और जो इस दर्द से गुजरता है वही इस माया नगरी में टिक सकता है। मुंबई में पहला कदम रखने से पहले ही मिथुन ने यह बात गांठ बांध ली थी। मुंबई में अपने संघर्ष के दिनों में मिथुन माटुंगा के सनी साइड बिल्डिंग में रहते थे, वो भी किसी आरामदायक कमरे में नहीं बल्कि बिल्डिंग की सीढ़ियों पर। मुंबई आने के बाद मिथुन को अपने सिर पर एक छत चाहिए थी, इसलिए बिल्डिंग की सीढ़ियों पर सोने के लिए उन्होंने वहाँ के चेयरमैन को पटाया और उसके लिए उन्हें महीने के 75 रुपए देने पड़ते थे। वह सीढ़ियाँ उनके लिए किसी आरामदायक बेडरूम से कम नहीं थी। होते करते मिथुन ने एक एक्टिंग स्कूल में दाखिला लिया। वहाँ से निकलने के बाद मिथुन चक्रवर्ती को पहली फिल्म भी मिल गई। ये फिल्म थी मृगया। ये फिल्म न केवल जबरदस्त हिट रही बल्कि इसके लिए मिथुन को पहला नेशनल अवार्ड भी मिला। मिथुन को लगा कि अब तो जैसे उनके दिन फिर गए हैं, लेकिन ये क्या, पहली हिट के बाद तो जैसे मिथुन के पास
फिल्मों का अकाल ही हो गया। इनकी संघर्ष का दौर जारी रहा। एकाध फिल्में जो उनको मिली भी वो चली नहीं। मिथुन जी तो संघर्ष करते रहे लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा था और इसी चिंता में उनका डांस का जुनून भी दम तोड़ रहा था। उन दिनों बॉलीवुड की कैबरे डांसर हेलेन का चार्म खूब चरम पर था। हर फिल्म में हेलेन का एक ना एक गाना जरूर रखा जाता था और वो फिल्म हिट भी होती थी। चूंकि फिल्मों के लिए मिथुन का संघर्ष जारी था इसलिए उन्होंने सोचा कि डांस के शौक को ही पूरा कर लिया जाए। बस यही सोचकर वो हेलेन के असिस्टेंट बन गए। उन्होंने अपना नाम भी बदल कर राणा रेज रख लिया ताकि कोई उन्हें पहचान न पाए। मिथुन के जीवन में एक दौर वो भी आया जब इन्हें अपना अवार्ड बेचकर अपनी भूख मिटाने के बारे में सोचना पड़ा। एक बार की बात है, मिथुन की मुलाकात एक पत्रकार से हुई। वो पत्रकार मिथुन को पहचान गया। पत्रकार ने कहा, हमें आपका इंटरव्यू लेना है। मिथुन ने कहा, इंटरव्यू तो दे दूंगा लेकिन मेरी एक शर्त है, पहले आप मुझे भरपेट खाना खिलाएं। उस पत्रकार ने इन्हें भरपेट भोजन कराया और उसके बाद मिथुन का इंटरव्यू किया। मिथुन जब सफल हुए तो उस पत्रकार को मिथुन से मिलने के लिए कभी किसी अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं पड़ी। अब आते हैं उस किस्से पर जो आपने थंबनेल में देखा होगा और उसे ही देखकर आप इस वीडियो में जुड़े हैं। मिथुन अपने संघर्ष के दिनों में ही एक दिन फिल्म निर्माता मनमोहन देसाई के ऑफिस पहुंचे। मिथुन ने अपना परिचय देते हुए कहा कि सर, क्या मुझे आपकी फिल्मों में काम मिलेगा? मैं कोई भी छोटा मोटा रोल करने के लिए तैयार हूँ, मुझे बस दो वक्त की रोटी मिल जाए। मनमोहन देसाई ने मिथुन को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, क्या तुमने आज खाना खाया? मिथुन का जवाब था, नहीं। और तब मनमोहन देसाई ने मिथुन को 10 का नोट थमाते हुए कहा, जाओ खाना खा लेना। मिथुन मनमोहन देसाई के इस रवैये से बेहद दुखी हुए और चुपचाप सर झुकाकर ऑफिस से बाहर चले आए। आखिर समय बदला और उन्हीं मनमोहन देसाई ने एक दिन अपनी फिल्म गंगा जमुना सरस्वती में मिथुन को अमिताभ बच्चन के साथ कास्ट किया। एक ऐसा ही और वाक्य है। काफी स्टूडियो के चक्कर लगाने के बाद मिथुन एक दिन साल 1982 में नटराज स्टूडियो के प्रोड्यूसर टीएलबी प्रसाद के पास पहुंचे। टीएलबी प्रसाद उनकी पोर्टफोलियो से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने मिथुन को जितेंद्र से मिलवाया। प्रसाद ने जितेंद्र को कहा कि यह लड़का बंगाल से फिल्मों में काम करने आया है। इस बात को सुनकर जितेंद्र जोर जोर से हंसे और निराश होकर लौट रहे मिथुन को पीछे से कमेंट किया, अगर यह लड़का हीरो बन गया तो मैं फिल्मों में काम करना छोड़ दूंगा। समय का फेर देखिए, 1982 में जितेंद्र अपने डांस के लिए जाने जाते थे लेकिन डिस्को डांसर ने मिथुन चक्रवर्ती को रातों रात स्टार बनाकर जितेंद्र का विकल्प बना दिया। साल 1986 में मिथुन और जितेंद्र ने ऐसा प्यार कहा, जाल और स्वर्ग से सुंदर जैसी फिल्मों में साथ साथ काम किया। मिथुन के सितारे जब बुलंदियों पर पहुंचे तो 80 के दशक में एक समय पर उन्होंने बॉलीवुड पर एक छत्र राज किया। मिथुन अब तक फिल्म फेयर और नेशनल अवार्ड सहित कुल 12 अवार्ड जीत चुके हैं जिनमें 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड शामिल है। मिथुन चक्रवर्ती अब तक बंगाली, उड़िया, भोजपुरी, तेलुगु और पंजाबी भाषा मिलाकर तकरीबन 350 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके हैं। मिथुन चक्रवर्ती मोनार्क ग्रुप के मालिक भी हैं, जो अस्पताल और शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक सेवा करता है। उन्होंने दिलीप कुमार और सुनील दत्त के साथ मिलकर एक प्रोडक्शन हाउस की शुरुआत भी की थी जिसका उद्देश्य संघर्ष कर रहे कलाकारों की सहायता करना था। इसे सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन का नाम दिया गया था। इसके साथ साथ वे फिल्म स्टूडियो सेटिंग एंड अलाइड मजदूर यूनियन के चेयरपर्सन भी रह चुके हैं जिनका मुख्य उद्देश्य फिल्मी कामगारों की समस्याओं को दूर करना है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा मिथुन राज्यसभा के सदस्य बने। तो दोस्तों, मिथुन के जीवन की कहानी जानने और सुनने के बाद हमें ये मालूम पड़ता है कि जीवन में चाहे लाखों कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मिथुन मुंबई में भूखे पेट सोए, बहुतों को हंसी का पात्र बने। जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर फिल्मों में काम किया, कई सुपर फ्लॉप फिल्मों के हिस्सा रहे लेकिन हिम्मत नहीं हारी। दोस्तों, माना कि किस्मत बहुत कुछ होता है लेकिन किस्मत सब कुछ नहीं होता है। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर कुछ नई उमंग और आशा जगाई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे पहले मिथुन चक्रवर्ती पर हमारी एक और वीडियो आ चुकी है, उसे आप देखना चाहें तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।